अस्पताल
रजिस्टर्ड है और कैंसर का बीमारी का इलाज हो रहा है, जिससे आम जनता को एक पैसा भी नहीं लगेगा। सरकार का योजना झारखंड ने पहली बार खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया और खेल विश्वविद्यालय स्थापना करते हुए पूरे राज्य के लोगों को सेलेक्ट करके वहां पर उनको पढ़ाया जा रहा है और कोचिंग कराया जा रहा है और साथ ही साथ रक्षा विश्वविद्यालय भी, ताकि हमारे लोगों को भटकना ना पड़े। और जो नीचे से खेल के ऊपर जाते हैं तो उनका निश्चित रूप से आसानी से करियर के अंतिम पड़ाव पर वो पहुंच सके, सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है। आपको ध्यान देना होगा कि एकादी एकेडमी आश्चर्य एकेडमी जो यहाँ पर के आगे है, आज के दिनों में ही हम लोगों ने उसको भी शुभारंभ किया है। अब यह योजना इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि संथाल परगना के क्षेत्र में हॉकी नहीं चलता, आदिवासियों का जो एक अपना परंपरागत खेल है वो फुटबॉल खेलते हैं। हमारे बच्चे जो खेलते हैं अर्चरी खेलते हैं और इसीलिए सरकार ने उसको मॉडिफाई करते हुए अभी जो रांची से भी आए थे, दिल्ली से भी आए थे आश्चर्य एकेडमी का मुआयना करने के लिए, तो इन लोगों ने कहा कि देश में ये पहला एक अकादमी ऐसा खुला है जो ऐसा कहीं नहीं खुला है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ के लोगों को, यहाँ के खिलाड़ियों को मिल रहा है, इससे हम लोगों को लाभ लेने की आवश्यकता है। एक और योजना हम आपको बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी बेटियां भी बहुत है, चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चाहे हम चाहे आदिवासी नहीं है, सभी के लिए यह योजना है, क्योंकि सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के साथ अपना जो नारा दिया है उसके साथ ही यह काम कर रही है। आज बेटी जब जन्म लेती है तो सीधा सीधा उसके माँ के खाता में 5,000 रुपया जाता है। अब एक आबू समाज रेन हॉल में जा रहा है।